ये Don't नोट worry, sir. Yes, sir, we promise. Yes, sir. Promise, sir. रिकॉर्ड Promise. स्लीप ना हो, कोई भी नहीं देते हमको, मुझे कोई बहुत भी बड़ा नहीं ज्ञान सर, है। हम लोग तो एकदम नए लोग हैं, ज्यादा किसी को जानते भी नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा ज्ञान है जो आप 2 दिन में सीखोगे, बहुत बड़ा ज्ञान। तो नमस्कार कुशल्या जी, नमस्कार नमस्कार। ये नए आए राजे हैं राजे आप? सर अच्छा, आज जो हमारा नया सब्जेक्ट है वो है भृगु नंदी नाड़ी, जिसको हम इन शॉर्ट BNN बोलते हैं। ये आई कहाँ से, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऋषि भृगु और ऋषि नंदी, ये दो ऋषि हुए हैं और बहुत बड़ी इन्वेंशंस की है इन्हों दोनों ने, और दोनों की इन्वेंशन को कंबाइंड करके जो हमें दिया गया है वो दिया है श्री R.G. राव। दोनों को कंबाइंड करके R.G. राव साहब ने हमें भृगु नंदी नाड़ी BNN का तोहफा दिया है। इसके फॉर्मूलास के ऊपर काम करना है, सिर्फ फॉर्मूलास के ऊपर। ये KP की तरह या वैदिक की तरह टफ नहीं है। अगर आपने 4-5 इसके फॉर्मूलास हैं उसके ऊपर काम कर लिया, क्रिस्टल क्लियर प्रडिक्शन, क्रिस्टल क्लियर सारा सिस्टम आपको दिखेगा। जो लिखा है वही है, कोई महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा नहीं, कोई हाउसेस नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन प्रडिक्शन करके देखना है, इसकी देखकर देखना क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले जुपिटर प्लेनेट के ऊपर टोटली बेस है जी, जुपिटर प्लेनेट के ऊपर टोटली बेस है भृगु नंदी नाड़ी BNN, क्योंकि जुपिटर को जीव कारक माना गया है, जो प्राण देता है आपकी बॉडी में, जो ऑक्सीजन लेवल है वो जुपिटर है। तो BNN क्या बोलता है कि आपके चार्ट के अंदर जुपिटर जिस साइन में बैठा है ना, उसको फर्स्ट हाउस बना लो। जुपिटर जिस साइन में बैठा है उसको अपना लग्न बना लो। जैसे आप वैदिक में या KP में सारी प्रडिक्शन फर्स्ट हाउस के ऊपर करते हो, फर्स्ट हाउस से अपने सेल्फ के बारे में देखते हो, ऐसे आपने फर्स्ट हाउस से कैसे देखना है, जुपिटर जिस साइन में है उसको लग्न बना लेना। और आपके साथ क्या क्या होने वाला है, जैसे हम वैदिक में KP में मैप के ऊपर काम करते हैं, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के लेवल पे जाके यहां ट्रांजेक्शन के ऊपर करते हैं। जुपिटर एक साल में एक साइन में ट्रांजिट करता है, तो कौन से साइन में कर रहा है, कौन से हाउस में कर रहा है, वो आपको आपके जो भी इंसिडेंट होने वाले हैं वो बताएगा। कौन से प्लेनेट के पास जा रहा है, कौन से प्लेनेट से होकर जा रहा है, ये ट्रांजेक्शन के ऊपर सारी BNN बेस है। आपने अपने बारे में जो देखना है जुपिटर से देखोगे, आपके साथ क्या होने वाला है आप जुपिटर की ट्रांजिशन से देखो। जुपिटर आप हो, अगर राहु के पास से होकर जा रहा है, जहां नेटल चार्ट में आपका राहु है, जुपिटर वहां पहुंचता है तो क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, इनसिक्योरिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी जो राहु प्रॉब्लम देता है। अगर वो सैटर्न के पास से होकर जा रहा है
तो नया प्रोफेशन होने वाला है। सबसे पहले आप सारे प्लैनेट्स के बारे में देखो कि वहां से देखना क्या क्या है। जुपिटर तो हो गया सेल्फ, और जुपिटर जिस साइन में बैठा है उसको आपने लग्न बना लेना है। जैसे आपके चार्ट में जुपिटर 5 नंबर साइन में बैठा है तो आपका जो मर्जी लग्न हो आपने 5 नंबर को लग्न बना लेना। अगर D1 से बनाएंगे, D1 कोई भी और चार्ट नहीं है, D1 को फोकस करना, ठीक है जी। 3 नंबर में जुपिटर है 3 नंबर लग्न बनाओ, 7 नंबर जुपिटर है 7 नंबर लग्न बनाओ। अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी ड्रेसिंग सेंस के बारे में, जो भी देखना है आप जुपिटर से ही देखो। सर जिनका जुपिटर लगन में ही हो वो वैसे ही रहेगी फिर उनकी, ठीक है। आगे आ जाता है सैटर्न। जैसे वैदिक में या केपी में आप अपने प्रोफेशन का 7th या 10th हाउस से देखते हो, यहाँ कोई हाउस का काम नहीं है, प्रोफेशन सैटर्न से देखना है। सैटर्न के चार्ट के अंदर क्या प्लेसमेंट है, वो कौन से प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। बड़े भाई का देखना है सैटर्न, प्रोफेशन का मेन लिख लो, प्रोफेशन के बारे में जो भी देखना है, जो भी देखना है, प्रोफेशन इज सैटर्न। जब भी आपने अपना प्रोफेशन देखना है सैटर्न से। आपने अपने घर के बारे में देखना है सैटर्न से देखोगे। घर आपका सैटर्न है, उसके अंदर जो डेकोरेशन है वो वीनस है, ठीक है। घर आपका सैटर्न और प्रोफेशन आपका सैटर्न है। प्रोफेशन के बारे में देखना है, बार बार बोल रहा हूँ, सैटर्न देखना है। घर का सर आपने अभी चालू किया है कि पहले चालू हो गया, मैं लेट जाऊंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके सर। सैटर्न जो है वहां से घर कब बनेगा सैटर्न बताएगा, ठीक है जी। बड़े भाई का सिस्टम देखना है तो सैटर्न से देखोगे, और प्रोफेशन का देखना है तो सैटर्न से देखोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया जी वीनस, जो मेन आपने जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। वीनस से आप अपनी वेल्थ देखते हो, पैसा कहां से आएगा वो आपके चार्ट में वीनस बताएगा। बीएनएन चार्ट में वेल्थ वीनस बताएगा। अच्छी तरह से सारा लिख लो, बाद में बताऊंगा मैं कैसे चेक करना है। लड़के ने अपनी वाइफ के बारे में देखना है, मेल ने अपनी वाइफ के बारे में देखना है, तो वीनस उसकी वाइफ है। वीनस से रिलेटेड जो प्लैनेट होंगे आपकी वाइफ के टोटली एट्रीब्यूट वही मिलेंगे। अगर वीनस मंगल का पीछा कर रहा है डिग्री वाइज, या मंगल के साथ बैठा है, या ट्राइन में बैठा है, मैं सारे बताऊंगा ट्राइन कैसे देखते हैं, तो आपकी जो वाइफ है वो बहुत गुस्से वाली होगी, बहुत एंगर होगा, 2400 घंटे लड़ाई झगड़ा करेगी। हर जी हंसना नहीं है, मैं समझ बता ही रहा हूं आपको। सर ये गलत नहीं, सर गलत बात है। अच्छा हस्बैंड का भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल होगा, वहां रहे। अच्छा पैसा हमेशा जब भी देखना है वीनस से देखना है। लड़के ने अपनी वाइफ के बारे में देखना है वीनस से देखना है। कंफर्ट लेवल देखना है, कंफर्ट लेवल कितना होगा आपकी लाइफ में वीनस से देखना है। लग्जरी गाड़ी सारा कुछ, घर का डेकोरेशन कैसा होगा वीनस से देखो। अगर सैटर्न के साथ राहु बैठा हुआ है तो सैटर्न, मैंने क्या बोला आपको, सैटर्न आपका घर है। अगर राहु बैठा है तो क्या होगा, कबाड़ जैसा घर होगा। करोड़ रुपए की चीज लेके आओगे वो मिट्टी हो जाएगी, जचेगी नहीं। अगर सैटर्न के साथ वीनस बैठा होगा डिग्री वाइज बता रहा हूं, तो क्या होगा, 10 रुपए की चीज लाओगे लोग आकर पूछेंगे
ये कहां से लेके आए हो, इतनी अच्छी चीज है। क्योंकि वेल डेकोरेटेड घर होगा आपका, वेल डेकोरेटिव। कई प्लांट ही लेके ऐसे रख देते हैं डिजाइन करके के अच्छा लगने लगता है, वो वीनस है। सर राहु कबाड़ है, अच्छा नहीं लगेगा। राहु कबाड़ है सर, कबाड़। सर मैंने पूछना था आपके दोनों सैटर्न के साथ अगर वीनस बनाओ, हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर दोनों की आपस में साथ साथ मिलकर। सबसे पहले मोनिका जी, सबसे पहले कहां से आवाज आ रही है, कितनी आप मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप सारे प्लेनेट का लिख लो, उसके बाद जब मैं आपको बेसिक समझाना शुरू करूंगा फिर आपको अच्छी करना, फिर मजा आएगा आपको। एक बात बता रहा हूं, इस सब्जेक्ट में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सारा कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। देख लेना अपने अपने चार्ट उठा के, बाद में आप बोलोगे ये क्या हो गया, ये तो सारा कुछ सामने दिख रहा है, बस टेक्निक है देखने की। 2 मिनट में प्रेडिक्शन कर देना, इसीलिए इसको मैं केपी की तरफ लेके आया हूं कि पढ़ो यहां से और काम करो केपी से, तो फिर देखना कैसे रिजल्ट आते हैं। कहां तक पहुंचे थे, वीनस। वीनस इज योर वेल्थ, वीनस इज योर वाइफ, कंफर्ट लेवल और व्हीकल हैप्पीनेस, जो भी है वीनस सारा ये। अच्छा उसके बाद आता है मंगल। मंगल से क्या देखते हो, लड़की ने जब भी अपने हस्बैंड के बारे में देखना है तो मंगल बताएगा। मंगल की प्लेसमेंट देख लेना लेडीज अपने अपने चार्ट में कैसी है, आपको पता चल जाएगा आपका हस्बैंड कैसा है। ठीक है, मंगल प्रॉपर्टी का बताएगा, मंगल टेक्नोलॉजी का बताएगा। जैसे सैटर्न मैंने बोला था ना आपको कि आपके प्रोफेशन का है, तो अगर सैटर्न मंगल के साथ बैठा हुआ या उसका पीछा कर रहा है डिग्री वाइज, तो टेक्नोलॉजी का काम करेगा, उसका प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा बंदे का, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा रियल एस्टेट का। नोट करके देखना सारी चीजें, मंगल प्रॉपर्टी, मंगल टेक्नोलॉजी, मंगल जो सेना का होता है, पुलिस का होता है, एंगर गुस्सा। अभी जुपिटर आप हो, कैसे रिलेट करना है ब्रेन लगाना जरा। जुपिटर आप हो, अगर जुपिटर मंगल के साथ बैठा है या मंगल के साइन में बैठा है तो आपका फिजिक कैसा होगा, सॉलिड। जैसे वो थे ना मिलिट्री वाले, अप टू डेट 24 घंटे टेंशन, वो काम होगा, एनर्जी लेवल बूस्ट अप पूरा होगा आपके अंदर। जुपिटर मंगल के साइन में या मंगल के साथ बैठा होगा, हर चीज को रिलेट करना अभी। ठीक है जी, लेडीज ने जब भी अपने हस्बैंड के बारे में देखना है मंगल। अगर वीनस पैसा है तो वीनस के आगे अगर मंगल आ गया तो पैसा कहां से आएगा, मंगल से। मंगल के काम कौन से हैं देख लेना, चेक करना अभी। उसके बाद आ गया मरकुरी। मरकुरी जो है, जब भी आपने एजुकेशन देखनी है कि बच्चे को क्या करवाना है, अपने अपने चार्ट खोल के, अपने अपने बेटों के चार्ट, बच्चों के चार्ट खोल के देखना। मरकुरी इज एजुकेशन। मरकुरी जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, मरकुरी जिस साइन में बैठा है, उससे रिलेटेड आपकी एजुकेशन होगी। और जिस चीज के बारे में भी आपने चेक करना है उसको लगन बना लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मरकुरी से आप एजुकेशन देखना चाहते हो कि एजुकेशन कौन सी होगी, तो एजुकेशन का हाउस तो 4th हाउस ही है ना, तो मरकुरी जहां बैठा है आपका उसको 4th हाउस पे बैठा लो और 4th हाउस में देखो अभी कौन सा साइन आया। ये ऐसे भी आप एजुकेशन देखोगे कि मरकुरी को 1st हाउस में बिठा के 4th हाउस में जो साइन है। एक बार मरकुरी का नहीं समझ में आया,
मर्कुरी जिस हाउस में सॉरी जिस साइन में बैठा है ना, यस सर, उसको लग्न में बैठा लो। अच्छा, ऐसे ही सैटर्न का करना है, जैसे प्रोफेशन का देखना है तो लग्न में बैठा लो। ओके, ठीक है। सो मर्कुरी जिस साइन में बैठा है उसको लग्न में बैठा लो। जब वो लग्न में बैठ गया तो वहां साइन आ जाएगा फर्स्ट हाउस में, वो जहां आपका मर्कुरी बैठा है। उसके बाद क्या होगा, उधर से जज करें उसका फोर्थ हाउस वो आपका एजुकेशन बताएगा, पहली बात। दूसरी बात, मर्कुरी जहां बैठा है उसके साथ वाला प्लेनेट कौन है डिग्री वाइज। अगर मर्कुरी से डिग्री वाइज कोई प्लेनेट आगे बैठा हुआ है तो वो बच्चा उसकी तरफ जाएगा, वही स्टडी करेगा जो उसका नेक्स्ट में डिग्री है। जैसे मर्कुरी और मंगल बैठे हुए हैं, मर्कुरी की डिग्री है 16 और मंगल की डिग्री है 18, तो मर्कुरी मंगल का पीछा कर रहा है तो 100% वो मंगल वाली लाइन में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइन में जाएगा, टेक्नोलॉजी में जाएगा, आईटी डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है। अगर मर्कुरी के वो पीछे हुआ डिग्री वाइज मंगल, तो वो बाय बर्थ अपने अंदर वो चीजें लेके आया है, उसके अंदर ऑलरेडी वो ज्ञान है मंगल का, बाय बर्थ उसके अंदर है। बट दोनों प्लेनेट को कंजंक्ट होना पड़ेगा एक ही हाउस में, कंजंक्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन आपने क्या चेक करना है, आपने क्या चेक करना है कि नेक्स्ट में डिग्री क्या है नेक्स्ट में, क्योंकि वो प्लेनेट उसका पीछा कर रहा है, पीछे वाले का नहीं कर रहा वो। हाउस बदल जाए, हाउस बदल जाए तो भी कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ आपको, सेकेंड हाउस या कौन सा सर, अगर अगर मर्क्यूरी को हम लग्न में करते हैं तो सेकेंड हाउस को, सेकेंड हाउस में प्लैनेट को देखना है जो मर्क्यूरी से डिग्री में, समझ नहीं आया रामाकृष्ण जी। एक सेकंड लिख लो सारे आप एट्रीब्यूट, उसके बाद प्रेडिक्शन की तरफ चलते। क्या लिखा, मंगल लिखा भी आपने? नहीं सर, मर्करी पर आ गए। पीछे बैठेगा तो फिर पिछले जन्म से लेके आएगा। नहीं, पिछले जन्म में मर्करी क्या, डिग्री का कंफ्यूजन हो रहा है सर। हो जाएगा रामाकृष्ण जी, जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी प्लीज ना करो। मर्करी इज एजुकेशन, बहन का देखना है तो मर्करी से देखना है, बुआ का देखना है तो मर्करी से देखना है। आपका ब्रेन किधर चल रहा है, बच्चे का ब्रेन या आपका ब्रेन किधर जा रहा है वो मर्कुरी से पता चलेगा। सैटर्न है प्रोफेशन, अगर सैटर्न मर्कुरी का पीछा कर रहा है तो उसका प्रोफेशन क्या होगा, वो बैंक में हो सकता है, वो सीए हो सकता है, वो अकाउंटेंट हो सकता है, वो मैनेजमेंट का काम कर सकता है। मर्कुरी के रिलेटेड जितने भी काम है, सीए का काम है, बैंकिंग का काम है, अकाउंटेंट का काम है, मैनेजमेंट का काम है, कमीशनिंग का काम है, ये सारे मर्कुरी के काम है जो ब्रेन से रिलेटेड है। ऐसे चीजें चेक करनी है। डिग्री का अभी रहने दो, मैं जब आपको बोर्ड पे समझाऊंगा फिर आपको पता चलेगा, पहले ये सारी चीजें लिख लो, ठीक है जी। सन, सन क्या है, आत्मा, सूर्य। जब भी आपने अपने पिताजी के बारे में देखना है तो सन देखना है, पिताजी की नेचर कैसी है, पिताजी का सिस्टम क्या है, पैसे वाले हैं, धार्मिक हैं, क्या है, वो क्या पता चलेगा, सन से पता चलेगा, ठीक है। और अगर आपने देखना है अपना सन, अच्छा सन तो हो गया, एक पिताजी, एक आपका बेटा भी सन है, आपने अपने बच्चे के बारे में देखना है वो भी सन है, और आपने अपने पिताजी के बारे में देखना है वो भी सन है, ये नोट कर ले। और अगर आपने अपने बारे में देखना है तो सन क्या बता रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है सन, आपका नेम एंड फेम, आपका स्टेटस टोटली सन,
हाई अथॉरिटी का काम सन, ये नहीं है कि वो अगर सन आपको मिल रहा है आपके सैटर्न के साथ, सैटर्न आपका प्रोफेशन है उसके साथ सन है तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट प्रोफेशन में होगा वो, या हाई अथॉरिटी में होगा, या पिंड का सरपंच ही हो सकता है। एक बंदा मेरे पास आया तो मैंने उसको बोला कि सर जी आप तो सरकारी नौकरी में होने चाहिए, सन सैटर्न के साथ सन था। वो कहता नहीं, तो मैंने कहा जहां आपके पिताजी होंगे फिर, कहते नहीं जी, सारा कुछ बोला नहीं नहीं नहीं। फिर मुझे बोलने लगा कि मेरी सब्जी मंडी में दुकान है, सब्जी मंडी में। मैंने कहा ये क्या होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। कहता हो ही नहीं सकता। फिर मुझे बोलने लगा कि सब्जी मंडी का मैं प्रधान हूं, प्रेसिडेंट हूं वहां का। तो बात वही है कि आपको हाई अथॉरिटी जरूर मिलेगी चाहे कोई भी काम हो, सन ने आपको वो पोजीशन देनी देनी है वो कैसी भी हो। तो पिताजी के बारे में, बच्चे के बारे में, बेटे के बारे में जब देखना है तो सन से देखोगे, उसके बाद अपने बारे में देखना है तो हाई अथॉरिटी और गवर्नमेंट जॉब, स्टेटस, नेम एंड फेम सारा सन देता है आपको। अगर सन बढ़िया है, उच्च का है, जहां आता है उच्च नीच, यहां केपी में नहीं आता, यहां आता है। अगर प्लैनेट उच्च का बैठा हुआ है, अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत हाई पोजीशन पे लेके जाता है आप। अगर वो नीच का होके बैठा है, अगर अपने एंटी प्लैनेट के साथ बैठा है, तो उसमें कंफर्ट फील नहीं करता। ठीक है जी, यहां ये चीजें आती है। उसके बाद आ गया जी कौन, मून। मून से आप अपनी माता के बारे में देखोगे, जब भी अपनी माता के बारे में देखना है तो मून से देखोगे। दूसरी तरफ मून आपके साथ क्या कर रहा है, वो बंदा कितना इमोशनल है, कितना सेंटीमेंटल है, उसका बिहेवियर कैसा है, मूवेबल काम टोटली मून का है, मूवेबल फूड का काम सारा मून का है, लाइफ की चेंजिंग का काम मून का है। अगर सैटर्न के साथ मून बैठता है तो क्या होगा, आपका ट्रैवल का काम हो सकता है, आपका फूड का काम हो सकता है, जहां आपका मार्केटिंग का काम हो सकता है, जहां लिक्विड कोई भी हो, दूध का, पानी का, वो सारे काम हो सकते हैं। माता के बारे में जब भी देखना है, सपोज कर लो मून के साथ जुपिटर बैठा हुआ है, तो माता क्या होगी, पहले बता देना कि आपकी माता बहुत रिलीजियस माइंडेड है जी। देख लेना अपने अपने चार्ट। अगर मून के साथ मंगल बैठा हुआ है तो माता कैसी होगी आपकी, 24 घंटे डंडा हाथ में होगा। अगर मून के साथ सन बैठा हुआ है तो बोल देना कि आपकी माता जो है, आपकी जो माता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, हाई अथॉरिटी में होंगे, बहुत दबदबा होगा आपकी माता का, मतलब कोई ना कोई हाई सोसाइटी में उनका नाम हो। ऐसे आपने हर चीज को रिलेट करना है। अपना मून जब देखोगे, सैटर्न के साथ है तो क्या ट्रैवल का काम हो सकता है, दूध का काम हो सकता है, मार्केटिंग का काम हो सकता है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उसका काम हो सकता है, जो मन पढ़ते हैं लोगों के, मून है वो। ये सारी चीजें नोट कर लेना। और कौन रह गया प्लेनेट आपका, राहु केतु। तो राहु के बारे में पीएनएन में क्या बोला गया है, शॉर्टकट। सर जुपिटर भी रह गया। जुपिटर तो सबसे पहले बता दिया आपको, जीव आत्मा है वो तो। अच्छा, वो तो खुद आप हो। ओके, अगर जुपिटर दिख रहा है आपको
रिलीजियस नेचर है जी, धार्मिक नेचर है जी, आपके विजडम बहुत क्लियर रहेंगे, ठीक है, इनसाइट्स आपके बहुत बढ़िया होंगे। और दूसरी तरफ आपने जब अपनी हेल्थ के बारे में देखना है तो जुपिटर से देखोगे, अगर उसकी ट्रांजेक्शन 6-8-12 में जा रही है तो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम है, अगर वो 9th में आ गया तो आपका भाग्य चमक गया जी, अगर 10th में आ गया आपका बिजनेस में ग्रोथ हो गई जी, 11th में आ गया तो आपका प्रॉफिट एंड गेन बढ़ना शुरू हो गया जी। जुपिटर की ट्रांजेक्शन बताएगी आपके साथ क्या इंसिडेंट होने वाला है, और सैटर्न की ट्रांजेक्शन बताएगी कि आपके प्रोफेशन के साथ क्या होने वाला। पहले सारे एट्रीब्यूट लिख लो, उसके बाद आपको सारा समझ आ जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इस साइंस की प्रेडिक्शन में कोई प्रॉब्लम आए। आपको सभी को एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। बस राहु को शॉर्टकट बोला गया है, वो शॉर्टकट यूज करेगा बंदा। और दूसरी बात भी एनन में राहु के बारे में क्या बोली गई है, जो सच्चाई है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पास्ट लाइफ में आपका जो अधूरा रह गया ना काम, इस जन्म में आपको पता चल सकता है कि आपका कौन सा काम पास्ट लाइफ में अधूरा रह गया। राहु बताता है, राहु जिस हाउस में आपका बैठा हुआ है ना, उस हाउस से रिलेटेड तड़पन जो है ना, तड़पन बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, 2400 घंटे तड़पते रहोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं होती, रेस्टलेसनेस, मतलब तो रात दिन आपको चैन नहीं आएगा कि मुझे ये चीज चाहिए एट एनी कॉस्ट। जिस हाउस में राहु बैठा है पिछले जन्म में वो अधूरा रह गया है, राहु आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, आई वॉन्ट दैट थिंग एट एनी कॉस्ट बाय हुक और क्रूक, राहु ये बोलता है मुझे जो चाहिए, तो वो आपके पिछले जन्म में रह गया है। वो कहता मैंने इस जन्म में कोई लॉ रेगुलेशन जो भी है मैंने नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए, इस जन्म में तो मैंने लेनी लेनी है, इसीलिए राहु प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है, 2 नंबर में शॉर्टकट करवाता है। फिर सैटर्न के साथ राहु है तो काम आप क्या करोगे, सारे शॉर्टकट वाले, जल्दी 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 जल्दी, और हमेशा काम को बढ़ाने की सोचोगे, अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी, ओवर पैशनेट होते चले जाओगे, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। केतु क्या करवाता है, केतु तो जो केपी में समझाया गया है, जो वैदिक में समझाया गया है वही है, केतु मोक्ष प्रधान है, एंड लिख लो केतु के आगे, एंड एंड वो एंड करवाता है जिसके साथ बैठ गया एंड, अगर सैटर्न के साथ बैठ गया प्रोफेशन खत्म, ठीक है जी, जुपिटर के साथ बैठ गया तो हेल्थ का क्या होगा, जिसके साथ बैठ गया ना वो एंड करवाता है उसका, मरकरी के साथ बुद्धि खत्म, मरकरी के साथ अगर केतु आ गया तो एजुकेशन गई, जिसका भी मरकरी के साथ केतु बैठा है चेक कर लो। सर मेरा है मेरा भी मरकरी के साथ है, मेरा भी मरकरी के साथ केतु है सर, बट सर एजुकेशन जी, आपकी एजुकेशन रास्ते में कट गई होगी, कंप्लीट नहीं हो सकती उसकी स्टडी, इसके टाइम के साथ अपने टाइम में ना सर, अपने टाइम में नहीं, वो अंतरा तो आते ही रहते हैं ना, अंतरा तो यहाँ अंतरा शंतरा नहीं आएगी, यहाँ सीधी क्रिस्टल क्लियर साइंस है कि मरकरी के साथ केतु है एजुकेशन ब्रेक,
सर ऐसे एजुकेशन ब्रेक चार्ट चेक करना आपके मरकरी के साथ केतु है मरकुरी के साथ केतु हाँ जी मरकुरी केतु हो जाने दे प्रियंका पहले मरकुरी एंड केतु ब्रेन काम नहीं करेगा ब्रेन स्मॉल होना शुरू हो जाएगा श्रिंक होना शुरू हो जाता है देर बाद समझ आती है हर चीज देर बाद समझ आती है इसी लिए स्टडी में भी ब्रेक लगती है ठीक है पर सर ऐसा मतलब एग्जैक्टली नहीं है सर हाँ जी सर ऐसा मतलब जैसे जो आप बता रहे हैं ना वो चीज नहीं है मतलब हम तो टॉपर रहे हैं चीज देर में समझ में आती है पर जब समझ में आती है तो वो बहुत रिटेन करते हैं क्या किया था आपने स्टडी किसकी की है सर हम तो क्या कहते हैं लाइक नेट क्वालिफाइड है यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है सब्जेक्ट एक्सपर्ट बायोकेमिस्ट्री आपके मरकरी के साथ केतु है जी ऐसे होता नहीं ब्रेक लगती है मरकरी के साथ केतु की जो आप चाहते हो ना कि मुझे ये एजुकेशन करनी है उस लेवल पर जाके वो टूट जाती है बस पीएचडी नहीं कर पाए सर पीएचडी नहीं कर पाए वही बात बता रहा हूँ अगर आप पीएचडी कर लेते ना तो आपकी लाइफ कुछ और होती उसमें जहाँ ब्रेक लगानी है ना वो आपको रिजल्ट मिलने वाला होता है केतु लास्ट चरण है जब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला होगा ना स्टडी का वहां ब्रेक लग जाएगी स्टडी में और दूसरी प्रॉब्लम क्या देता है वो कि देर बाद समझ आती है देर का है ना प्लेनेट जैसे राहु है बहुत बड़ा और केतु है उस बिल्कुल छोटा मरकुरी के साथ केतु होगा ना तो वो बंदा अगर छोटे वाला बिजनेस करेगा तो बहुत पैसे कमाएगा जिस दिन उसने उसको बड़ा करने की सोच ली काम खत्म सर सिली मिस्टेक्स होती है ये तो नोटिस कर रहा है कि पैसे अपने आप से ज्यादा दे देते हैं मरकुरी भी बिजनेस है और केतु है स्मॉल अगर मरकुरी और केतु का कॉम्बिनेशन है ना तो बिजनेस भी छोटे लेवल का रखना आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेस छोटी छोटी दुकानों में चलते हैं बहुत ज्यादा चलते हैं लेकिन जब पैसा बहुत आ जाता है तो फिर बड़ी दुकानें कर लेते हैं उसी टाइम काम खत्म केतु निकल जाता है वहां से फिर नहीं काम चलेगा और दूसरी बात मरकुरी एंड केतु जब भी साथ होंगे तो आपके घर के आसपास देखना जहां आपका ऑफिस है जहां जो भी है आपको वहां जो सैलून होता है वो बिल्कुल साथ में मिलेगा जो कटिंग का काम करते हैं टेलरिंग का काम करते हैं वो बहुत नजदीक मिलेगा सर मेरे घर के बगल में ही वो कुर्सी मेज डाल के दो दो टेलर बैठे रहते हैं टेलर जरूर मिलेगा या सैलून जरूर मिलेगा जिसका मरकुरी एंड केतु सर उनको भगाया जाता है फिर वो वहीं आकर बैठ जाते हैं वो नहीं जाएंगे दूसरी बात क्या है एजुकेशन में ब्रेक लगेगी मैं 100% बता रहा हूं आपको क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत स्टडी की है और एक एक चीज मैंने क्रिस्टल क्लियर पाई दूसरी बात आपने बहुत एजुकेशन की है मीनाक्षी जी लेकिन जहां जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलना था ना वहां ब्रेक हो गया काम सर ट्रू सर ये सही है सर वो पीएचडी ना होने की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती है यूनिवर्सिटी से आपका कोई स्टेटस और होता अगर वो मरकरी केतु ना होता और दूसरी बात क्या है जब भी बिजनेस करना है छोटे वाला बिजनेस शो होना चाहिए छोटी वाली दुकान छोटे वाला बिजनेस जितना मर्जी बढ़ा लेना जब आपने उसका एक्सपोज कर दिया ना बड़े लेवल पे काम खत्म जिसका भी मरकुरी एंड केतु देखो उसको बोलना कभी बिजनेस एक्सटेंड करने की ना सोचना और मरकुरी एंड राहु है तो जितना मर्जी बड़ा कर लो राहु बड़ा है सर आपकी बात हम और रिलेट कर पा रहे हैं मेरा पीएचडी जहां से पढ़ा हुआ है पिछले 5-6 साल से वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो काम पीएचडी हमें मिल नहीं पा रही है तो अब हम कोरिलेट कर पा रहे हैं उससे सर मुझे कुछ बोलना था जैसे आपने बताया था जुपिटर इज टू ग्रो है ना हर चीज वो बड़ा करता है
लेकिन यहाँ पे आपने कहा जुपिटर अगर केतु के साथ है तो हेल्थ का एंड होता है, छोटी हो जाती है, राइट? इवॉल्विंग आ गई ना, केतु एंड है। हाँ, तो जुपिटर का कोई काम नहीं, इट ओवरशैडोज जुपिटर, ग्रो करता है ना जुपिटर। बिल्कुल, जब जहाँ केतु नेटल चार्ट में बैठा है, सपोज कर लो नाइन्थ हाउस में केतु बैठा है, जुपिटर घूमता घूमता साल के साल के साल के साल के साल के बाद आएगा जब नाइन्थ हाउस में, जहाँ केतु नेटल चार्ट में बैठा है, तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। केतु को वैसे भी कहते हैं ना गुरु का चेला, मतलब जुपिटर का चेला, वो चेला कहते हैं, लेकिन चेला ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या है कि जो उसका बिहेव है ना, जो उसका एट्रीब्यूट है, उसका मतलब पता क्या है? आपको भगवान ने किस लिए भेजा है और आप कहाँ घूम रहे हो, वो केतु आपको बताना चाहता है, लेकिन हमने हम केतु की तरफ जाते नहीं, हम राहु की तरफ जाते हैं। आपको पता कहाँ भेजा भगवान ने, बताऊं अभी आपको, और हम कहाँ जा रहे हैं, ये इसका पिन करना है। सर मेरे नेटल चार्ट में जुपिटर के जुपिटर केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, एंड पता चल गया, क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। मतलब मरकरी के साथ अगर केतु है, इसका मतलब कि वो कह रहा है कि ज्यादा पढ़ाई ना करो, ज्यादा पढ़ाई मत करो। मरकरी केतु है, जुपिटर अभी केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, 12 नंबर में ही मरकरी केतु है, 12 नंबर में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब ज्यादा पढ़ाई मत करो, यानी हमें केतु ये समझाना चाह रहा है क्या? यस, पढ़ाई मत करो, लाइन भी चेंज करवाते हैं, जो एक्चुअली हमने पढ़ाई करी होती है उससे अलग लाइन में ले जाएगा केतु, डिटैचमेंट कराता है। और किसी का मरकरी के साथ है क्या? बिकॉज मेरे सिम्टम बिल्कुल मैच कर रहे हैं मरकरी के साथ, जो बताया सर ने एकदम मैच कर रहा है। सिम्टम तो मेरे भी मैच कर रहे हैं, मैं आर्मी में जाना चाहती थी, आई लैंडेड अप समवेयर एल्स। वो तो जो मेन स्ट्रीम है उसमें से हटाता है क्योंकि जो उसका आपका वो है। देखो अच्छी तरह से, ये आपकी लाइफ है जो भगवान ने आपको भेजा नीचे, लिख लिया? ये जो सैटर्न है ना, सैटर्न, ये जो सैटर्न है, ये आपके पूर्व जन्मों का फल है। सैटर्न ने पूर्व जन्म के आधार पे आपको बॉडी दी, मंगल इज बॉडी। कभी चार्ट देखा है कि एक नंबर फर्स्ट हाउस को क्यों बोलते हो? सैटर्न पूर्व जन्मों का फल देने आया है, आपकी बॉडी मिल गई आपको इस जन्म में, मंगल ने आपको बॉडी दी, बॉडी के बाद उसमें प्राण आए ऑक्सीजन के थ्रू, जुपिटर इस प्राण जिसको जीव आत्मा बोलते हैं, ठीक है जी। सैटर्न पूर्व जन्म हो गए, आपको बॉडी मिली, हीट से बॉडी बनती है, पता है ना आपको, कभी मुर्गी देखी जब अंडा अंडे पे बैठती है, चूचा कैसे निकलता है, हीट देते हैं उसको, और बच्चे का भी जन्म हीट से ही होता है, इसीलिए जो फर्स्ट हाउस में एरीज राशि होती है, कि जब आपका जन्म होता है तो आप भी हीट से होते हो, और मंगल की जो राशि है वो हीट की है, गर्म है। जुपिटर आपका जन्म हो गया, प्राण आ गया उसमें, आगे आ गया मून, आपका मन, एक मन जाता है राहु की तरफ, एक मन जाता है केतु की तरफ, आगे वीनस है, आगे मरकुरी है, आगे सन है,
तो करना हमने पता क्या था, हमारा जो रास्ता था वो क्या था, जहां हमारे को प्राण मिले, जहां हमारा मन केतु आया, केतु ने इससे मिलना था, ये था शॉर्टकट। सन से मिलना था, सन आपकी आत्मा है जो परमात्मा के साथ मेल करती है। मन ने केतु के थ्रू यहां जाना था, लेकिन हम कहां चले गए, इधर। अभी ये जो राहु है ना, ये आपको लेके जाएगा पहले वीनस की तरफ, फिर मरकुरी की तरफ। सन पता नहीं मिलता आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका शॉर्टकट ये है, राहु वीनस मरकुरी सन। आगे वीनस की तरफ हम आगे, वीनस भोग है, शानो शौकत, पैसा। हम जहां ही उलझ गए हैं, आगे जाने का रास्ता नहीं पता हमें। अगर हम जहां से जाते तो शॉर्टकट था, अगर हम यहां से जाते हैं तो फिर वीनस से मिलना पड़ेगा, फिर मरकुरी से मिलना पड़ेगा, फिर सन को। तो 90 ईयर का जब आप होते हो तब जाकर सन मिलता है आपको, तो वैसे मिलता भी नहीं किसी को, किसी किस्मत वाले को मिलता है। ये थी आपकी लाइन। इसीलिए केतु क्या बोलते हैं कि केतु के पास अगर आप जाते हो, केतु कहता है मैंने मटेरियलिस्टिक लाइफ से आपको तोड़ना है और अध्यात्म की लाइन में आपकी डी लिंकिंग करवानी है। अगर मेरे पास आते हो तो मैं सीधा ही परमात्मा के पास लेके जाऊंगा, आत्मा आपकी सीधी परमात्मा की तरफ। और हमने पकड़ लिया राहु को, राहु के पास आगे वीनस है, तो वीनस के आगे तो आप जा ही नहीं सकते। आगे बुध आ गया, दिमाग जो ब्रेन है वो वीनस राहु, ब्रेन वीनस राहु वहां घूम रहा है, आगे जा ही नहीं सकता बंदा। ये आपकी लाइन थी और ये देख लो हम कहां भटक रहे हैं। क्लियर हो गया? एक चीज और बता देता हूं, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, सारे प्लैनेट के बारे में आपने देख लिया कि क्या क्या होते हैं। उसके बाद अभी हम बात करेंगे दृष्टियों के ऊपर। इसकी दृष्टियां अलग है और ये काम करता है ट्राइन के ऊपर, ट्राइन, ठीक है जी।
ये चार ट्राइन के ऊपर आपने काम करना है, 159 ये ईस्ट में आएंगी और ये धर्म होता है, धर्म का ट्राइन, धर्म का ट्राइन पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं आपको। 2, 6, 10 ये जो ट्राइन बनेगा ये साउथ की तरफ होता है और इसको अर्थ कहते हैं, अर्थ का ट्राइन, मनी भी बोलते हैं इसको। 3, 7, 11 का जो ट्राइन है वो वेस्ट की तरफ बनेगा, इसको काम का ट्राइन बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं, जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, सहयोगी जो होते हैं आपके, सहयोगी हेल्पर। और 4, 8, 12 ये ट्राइन जो बनेगा ये नॉर्थ की तरफ बनेगा, यहां आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिख लिया, जो ट्राइन है ये धर्म का क्यों है? 1, 5 आपके पास लाइफ के कर्म, और 9 जो है वो आपके वैसे ही धर्म का है, आपके अध्यात्म का है, रिलीजियस हाउस है। 2, 6, 10 पैसों के होते हैं, अर्थ के होते हैं, 2 पैसा है, 6 आपका जॉब है या सर्विस है, जो भी आप करते हो, क्लाइंट का पैसा है, 10 आपका प्रोफेशन है, वहां से भी पैसा आता है, तो मनी वाले हाउस जो है 2, 6, 10 का ट्राइन होता है। 3, 7, 11 जो वेस्ट में है, जो काम का है, हेल्प का है, यहां से क्या देखते हैं, जैसे 3 आपको पता है कि आपके छोटे भाई बहनों का है तो वो कितनी आपकी हेल्प करते हैं, आपके नेबर का है वो सारे हेल्पिंग है, 7 आपकी वाइफ का, आपके स्पाउस का है, वो भी आपकी सारी उम्र होल लाइफ आपकी हेल्प, आपके सहयोगी रहेंगी। 11 आपसे जो बड़े होते हैं, जैसे बड़ा भाई है, आपका फ्रेंड सर्कल है, या आपके जो भी घर में जो बड़े लोग हैं वो 11 से देखा जाता है। तो 4, 8, 12 ये मोक्ष है। ये मोक्ष क्यों है? आपको पता है कि 1, 5, 9 आपका है, तो 1, 5, 9 को नगेट कौन करेगा? 4, 8, 12 एक को निगेट कौन करेगा? 12 5 को कौन निगेट करेगा? 4 और 9 को कौन निगेट करेगा? 8 इसलिए 1, 5, 9 अगर आपके ट्राइन है तो 4, 8, 12 उन तीनों को निगेट करते हैं, इसलिए ये मोक्ष के लिए बोले गए। आपका जन्म होता है अग्नि से, और अस्थियां जल प्रवाह कहां होती है? पानी में। 12 में अंत, 1 से जन्म, 12 जल जिसको मोक्ष बोलते हैं, और 1 जहां आपका जन्म होता है अग्नि से। यह सिस्टम है, भूलना नहीं है। अभी कुंडली आपके सामने है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूलास के ऊपर सारे काम कर लिए तो इतना ज्यादा इजी है ना कि मैं बता नहीं सकता। 1, 5, 9 में जितने भी प्लैनेट बैठे हैं वो आपस में कंजक्ट हैं। जैसे आप देखते हो ना कि मेरे इस हाउस में 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, तो वो एक साथ जुती करके बैठे हुए हैं। तो BNN की थ्योरी क्या है कि 1, 5, 9 ट्राइन बन गया, 1, 5, 9 का ट्राइन, अगर 1, 5, 9 ट्राइन में जितने भी प्लेनेट है वो एक साथ हैं, उनकी जुती है, उनको अकेला ना समझना। फर्स्ट हाउस में कौन से प्लेनेट हैं, 5वें में कौन से प्लेनेट हैं,
नाइन्थ हाउस में कौन से प्लैनेट हैं, इनकी ज्योति है। मैं राशियों की बात कर रहा हूं, एक नंबर राशि, पांच नंबर राशि और नौ नंबर राशि जहां जहां भी होगी उसमें जितने भी प्लैनेट बैठे होंगे वो उनकी ज्योति है। अभी हम एक चार्ट लेके देखेंगे, पहले लिख लो, जितने भी ट्राइन बने हैं वो आपस में ज्योति बनाते हैं। दो छह दस राशि में जितने भी प्लैनेट बैठे हैं वो भी कंजक्ट हैं आपस में, उनकी प्रॉपर ज्योति है। दो छह दस में भी और तीन सात ग्यारह की भी ज्योति है, वो उनका ट्राइन है। एक पांच नौ का अपना ट्राइन है, दो छह दस का अपना ट्राइन है, तीन सात ग्यारह का अपना ट्राइन है, चार आठ बारह का अपना ट्राइन। हाँ जी मोनिका जी क्या बोल रहे हो, आ गई वो केतु आ गया इनके पास कोड़ के दिल्ली शिपकली आ गई ना शिपकली। सर एक नंबर राशि या फिर हाउस? राशि 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 हॉरोस्कोप में हम जो हाउस होते हैं उनको 1.9 को प्राइम मानते हैं ना हाउस को। मुर्गारी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, आवाज नहीं आती आपकी। एक पांच नौ साइन में जो प्लैनेट बैठे हैं वो आपस में ज्योति लेके बैठे हैं, वो एक साथ बैठे हैं। और जो दो छह दस में बैठे हैं वो भी एक साथ बैठे हैं, ज्योति बना के बैठे हैं। जो तीन सात ग्यारह में है वो भी ज्योति बना के बैठे, ये सारे ट्राइन है। एक पांच नौ का ट्राइन बनाओ, ये देखो आपने बना लिया एक पांच नौ का ट्राइन। ये ट्राइन बन गया। अभी यहां कोई प्लैनेट बैठा है, कोई यहां बैठा है, कोई यहां बैठा है, वो आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, पता चल गया? हाँ जी सर। सर एक पांच को कंसीडर करना है या राशि को कंसीडर करना है? राशि 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 सर। अगर यही अगर हमारा ये लगन हो डीएनए में हाउसेस नहीं सिर्फ राशि देखा जाता है। अच्छा जी। सो सर अगर ये वो लगन हो कन्या लगन मोनिका राशि देखनी है, मोनिका राशि देखनी है। एक पांच नौ का हो गया ना जी, अभी दो छह दस का ट्राइन बनेगा, वो कैसे बनेगा? दो नंबर छह नंबर दस नंबर, यहां कोई प्लैनेट बैठे हैं, यहां कोई प्लैनेट बैठे हैं, जहां कोई प्लैनेट बैठे हैं उनकी भी प्रॉपर युति है। एक पांच नौ दो छह दस तीन सात ग्यारह चार आठ बारह, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो मुझे बताओ। नहीं सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर। आगे चले? यस सर। ये तो हो गया ट्राइन। अभी जो भी प्लेनेट जहां भी बैठा है ना उसके नेक्स्ट में भी उसकी दृष्टि है, नेक्स्ट हाउस में, और उसके पिछले वाले हाउस में भी दृष्टि है। जैसे कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस में, तो उसकी सेकंड में भी दृष्टि है और उसके ट्वेल्थ में भी दृष्टि है। ट्वेल्थ में जो दृष्टि है वो 25% है, सेकंड में जो दृष्टि है वो 85% है। ओके, ये कंसीडर कर लेना कि सेकंड हाउस पे जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी दृष्टि एक नंबर, सेकंड दो नंबर,
तीन नंबर, पांच नंबर, सात नंबर, नौ नंबर, ग्यारह नंबर, बारह नंबर। कल्पना जी आपकी आवाज आ रही है जो आप बोल रहे एक दो तीन पांच सात नौ ग्यारह बारह कहीं भी प्लैनेट बैठा है उसकी ये दृष्टियां चलेंगी। अगर कोई फर्स्ट हाउस में प्लैनेट बैठा है तो सेवंथ हाउस पे उसकी दृष्टि होगी। अगर कोई फोर्थ हाउस में प्लैनेट बैठा है तो उसकी टेंथ हाउस पे प्रॉपर दृष्टि होगी। ये दृष्टियां नोट कर लो, किसी भी हाउस में प्लैनेट बैठा है एक दो तीन पांच सात नौ ग्यारह बारह ये दृष्टियां हैं। और दृष्टियां सर ये समझ नहीं आया आपका, एक दो तीन चार पांच सात नौ ग्यारह ये सर ये क्या है? चार और दस नहीं लिखा सर, एक पांच नौ तो ट्राइन बन गया। हाँ जी सर। हाँ तो जहाँ बैठा है प्लैनेट एक में बैठा है तो उसकी सेकंड हाउस में दृष्टि है। हाँ, तो ट्वेल्थ में भी मैंने बता दिया आपको 25% है। पीछे क्या रह गया? तीन और ग्यारह, नौ भी रह गया सर। नौवां तो आ गया ना 159। अच्छा 159 का। अच्छा ओके 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 ओके। हाँ 159 तो आ गया। ये तो हाउस से चलेंगे ना फिर? हाँ जी हाउस हाउस में चलेंगे ना ये एक दो तीन हाउस में। सेवंथ नंबर पे दृष्टि है जी, यहाँ बैठेगा सेवंथ पे दृष्टि है उसकी। कोई भी हाउस वो तो हर की प्लेनेट की होती है सेवन दस सर। सेवंथ हाउस पे सेवन जहाँ बैठता है ना, जैसे आपका चार नंबर पे है प्लैनेट तो दस नंबर पे डिग्री उसकी दृष्टि हो। समझ गए ना, जो हाउसेस पे आ गए ना दृष्टियां। हाँ जी हाउस पे हो गई ना, सेवंथ हाउस पे फ्रॉम वेयर द प्लैनेट इज सिटिंग उसके सेवंथ हाउस पे दृष्टि है। राशि पे होती है लेकिन आप हाउस लिख लो कोई बात नहीं। ठीक सर, राशि की बात कर रहे हैं। अच्छा अगर कोई फर्स्ट हाउस पे प्लैनेट बैठा है तो उसके थर्ड हाउस पे भी, थर्ड नंबर राशि पे भी दृष्टि होगी। अगर जहां प्लैनेट बैठा है ना, यहाँ उसकी है 85%। यहाँ उसकी है 35%। यहाँ उसकी है 25%। यहाँ भी उसकी है 85%। और एक पांच नौ तो यूनिटी है, यहाँ भी 35 है। थर्ड हाउस पे भी दृष्टि है जहां प्लैनेट बैठेगा लेकिन वो 35 है। इलेवंथ पे भी दृष्टि होगी सर, हाउस ही हो ना फिर ये। सर फिर वही बात कर रहे हो, हाउस लिख लो कोई बात नहीं। आप वन नंबर से बना के लगन बनाए ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है इसमें। नहीं कोई लगन बना लो, हम बाद में बात करेंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले ट्राइन की बात आपको समझ आ गई, उसके बाद दृष्टियां की बात आप अच्छी तरह से समझो। दृष्टियां की मेन बात है यहां टोटली। सर इसका मतलब वो दो जिस हाउस में जिस राशि में प्लैनेट बैठे उससे दो राशि आगे और दो राशि पीछे तक उनकी दृष्टि होगी। हाँ लेकिन कितनी परसेंटेज उसको मिलती है ये भी नोट कर लेना। अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो सेकंड हाउस पे 85 है। यस सर। सेवंथ पे भी 85 है और 159 तो 100% है, क्योंकि वो तो ट्राइन हो गया, वो तो यूनिटी होगी उसकी, जुती हो गई वो तो। सर जो 3711 है उसमें खाली 3 एंड 11 में 35% है और 7 में 85% है सर। 3711 अगर ट्राइन बन रहा है फिर तो 100% हो गया ना। नहीं इस कॉम्बिनेशन में 1 1 2 3 5 7 9 11 12 में 11 नंबर 35, थर्ड नंबर 35, ओके 7 नंबर 85। अगर कोई प्लैनेट जहां बैठा है उसके सातवें हाउस ही लिख लो, सातवें हाउस में उसकी 85% तक दृष्टि है, पूरी दृष्टि है उसकी उसके ऊपर। ये लिख लिया आपने सारा? यस सर। अभी एक बात और समझाता हूं, आपको जल्दी समझ आ जाएगी।
ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। नॉर्थ में हमारी आती है 4, 8, 12, ईस्ट में हमारी आती है 1, 5, 9, साउथ में आता है 2, 6, 10 और वेस्ट में आता है 3, 7, 11। आ गया, यहां तक ठीक है? नीरू जी, नीरू त्रिपाठी जी, जी सर, अपना चार्ट ओपन करो। जी सर, कर लिया। सबसे पहले बोल, देखो मैं हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं राशियों की बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है सर। चार नंबर राशि में आपका कोई प्लेनेट है? सैटर्न। कौन सा? सैटर्न। सैटर्न, और कोई नहीं सर। आठ नंबर में मून, जुपिटर। आठ नंबर में ही है? नहीं सर, 12 में जुपिटर। बस जी, अभी देखो चार नंबर कहाँ है, आठ नंबर कहाँ है, 12 नंबर कहाँ है, लेकिन ये तीनों प्लेनेट की युति हो गई, यूनिटी बन गई है। क्यों? क्योंकि वो एक दिशा में जा रहे हैं तीनों, वो नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं, यहाँ दिशा चलती है, डायरेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है सर। ईस्ट में बताओ, एक नंबर में, पांच नंबर में, नाइन नंबर में आपके कौन कौन से प्लेनेट? सर एक में है केतु, केतु सर। पांच में है कोई साइन नहीं है, कोई सॉरी कोई प्लैनेट नहीं है, और नाइन में सर हमारी कोई प्लैनेट नहीं है, ओनली केतु। साउथ में आ जाओ, 2, 6, 10 में सर 2 में कुछ नहीं है सर, 6 में वीनस है और 10 में कुछ नहीं है सर। 3 में मंगल है सेवन में, सन है, मरकरी है, राहु है। और 11 में भी कुछ नहीं है। ये तीनों की यूनिटी बन गई है जी, ये अकेला है, ये एक है, ये तीनों की है। अभी चलना क्या है? ये प्लैनेट चलेंगे इधर, ये चलेगा इधर, ये चलेगा इधर, और ये चलेगा इधर। सर 3711 में राहु भी है सर। हाँ जी, 3711 में राहु भी है। राहु भी होगा अगर यहाँ केतु है तो। सर राहु बोला था मैंने, राहु भी है। अभी देख लो, यहां से आपको सारा पता चल जाएगा। एक नंबर, पांच नंबर, नौ नंबर में जो प्लेनेट हैं, वो कहां जा रहा है? तो वीनस की तरफ। हाँ, तो वीनस पे उसकी 85% दृष्टि होगी। पैसा कहां से आएगा? केतु से। केतु से, ओके। और एक बात नोट कर लेना, आप बाय बर्थ, बाय बर्थ आपके अंदर जो क्वालिटी है इंट्यूशन पावर की, केतु वीनस की तरफ जा रहा है, वीनस केतु की तरफ नहीं जा रहा। बाय बर्थ क्या लेके आए हो? वीनस पैसा कमाने का जो काम है ना, वो बाय बर्थ आप केतु का लेके आए हो। इंट्यूशन पावर बड़ी जबरदस्त है आप में,
नोट कर लेना मेरी बात जी सर। अभी देखो केतु कहां गया, साउथ की तरफ जाएगा, ईस्ट जो है वो साउथ की तरफ जाएगा और वो सीधा जाकर वीनस को मिलेगा। वीनस कहां मिलेगा जाके सर? वीनस मिलेगा वेस्ट में जाके, मरकरी पैसा। आपको क्या चाहिए? पैसा, वीनस पैसा है ना जी, तो आपका जो पैसा कमाने के जो सोर्स है जी, वो जो चार प्लैनेट डिसाइड कर रहे हैं, मार्स सन मरकुरी एंड राहु। एक होता है कि पीछे से क्या लेके आए हो जी, इंट्यूशन पावर लेके आए हो आप जी, आगे क्या लेने जाना है वो नेक्स्ट वाले बताएंगे। हाउस मार्स सन मरकुरी राहु, एनर्जी है आपके अंदर बहुत ज्यादा, नेम एंड फेम मिलेगा आपको, जहां आप जाओगे आपको स्टेटस मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में हो या नहीं हो, लेकिन आपका नेम एंड फेम, आपका स्टेटस लोग वेट करेंगे आप, ठीक है। मरकुरी क्या है? स्पीच है। यस सर। पैसा कहां से आएगा? स्पीच से, ठीक है। राहु क्या है? अट्रैक्शन। आपकी स्पीच में अट्रैक्शन होगी। ये चार प्लैनेट को वीनस फेस कर रहा है जी। अभी ये चारों प्लैनेट ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, सैटर्न मून यूपिटर जी, ठीक है। ऐसे आपने सारी चीजें देखनी है कि जो प्लैनेट है वो किधर जा रहे हैं। जो ट्राइन में बैठे हुए हैं ना, जैसे चार नंबर कहाँ है, आठ नंबर कहाँ है, बारह नंबर कहाँ है, ये यूनिटी बन गई उनकी, ये एक साथ बैठे हुए हैं। अपने प्रोफेशन, अगर आपने प्रोफेशन चेक करना है तो सैटर्न के साथ देखो कौन है। मैंने बताया ना प्रोफेशन इज सैटर्न। यस सर। मून सैटर्न के साथ कौन बैठा है? मून एंड जुपिटर। तो मून एंड जुपिटर का काम करो तो आपका प्रोफेशन सेट है, तो आप करोगे भी वही काम जी। मून क्या होता है? मन की बात पढ़ने वाला जी। जुपिटर क्या होता है? ज्ञान का काम जी। तो आप इसी लाइन में बहुत सारे होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे आपने सारी चीजें नोट कर ली। सर इनका ये मून जुपिटर वो हम वो 159 की तरफ आ रहे हैं, isn't it? तो हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर? चार आठ बार बारह में जो उनके प्लैनेट्स हैं वो 159 की, उसको कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे? वो जो तीन प्लैनेट चार आठ बारह में हैं वो 159 से मिलने आ रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है ना। वो तीनों प्लैनेट जो हैं वो इसकी तरफ जाएंगे, वहाँ केतु है तो वो उनकी उसके साथ मुलाकात होगी। केतु का किस साइन में था आपके? सर केतु है साइन फर्स्ट नंबर, एक नंबर में। फर्स्ट में है ना, तो 12 नंबर के बाद एक नंबर ही आता है ना जी। तो मैंने आपको क्या बोला था? अच्छा, कि नेक्स्ट हाउस में 85% है, 85 सॉरी 85 जुपिटर जो है, जुपिटर क्या है? मैंने क्या बताया था आपको? सेल्फ। सेल्फ, आप कहां जा रहे हो? केतु की तरफ। केतु की तरफ। इनको सबसे ज्यादा प्रेम पता किस चीज का है? मोक्ष प्राप्ति का। मेरे को परफेक्ट, बिल्कुल सही, मेरे को आने जाने वाला काम नहीं चाहिए अभी, मुझे गुरु ऐसा चाहिए जो मुझे अपने चरणों में निवास दे दे और मुझे मोक्ष चाहिए। और सर अगर यही आपका चार आठ बारह में जुपिटर और केतु दोनों साथ होते तो हम क्या प्रेडिक्ट करते? फिर डिग्री, यहाँ आकर डिग्री आएगी। जब जब एक ही, अच्छा इन तीनों राशियां बैठे तो हम डिग्री देखेंगे। बिल्कुल, इसकी भी डिग्री चेक करनी है आपने। अच्छा, अभी डिग्री बताओ जी। सैटर्न की डिग्री क्या है? सर सैटर्न की 9 डिग्री है, 28 मिनट्स, 9 डिग्री कहेंगे। सैटर्न की डिग्री 9 है। 9 है, ओके। और उसके बाद मून की डिग्री आपकी, एक सेकंड सर, 13 है। एंड देन आपका जुपिटर की डिग्री 23 है। अभी करो प्रेडिक्ट। प्रोफेशन इज सैटर्न,
वो किधर जा रहा है? मून की तरफ। और मून किधर जा रहा है? जुपिटर की तरफ। क्या प्रेडिक्ट करोगे? प्रोफेशन इनका मून से रिलेटेड होगा। मून क्या 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 प्रोफेशन होता है? साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, मन की बात पढ़ने वाले हो सकते हैं, वाटर से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, मर्चेंट नेवी में जा सकते थे। ये हो गया प्रोफेशन मून का। अभी मून कहाँ जा रहा है? मून तो आपका मन है ना जी, ज्ञान की तरफ। ज्ञान की तरफ। ऐसे प्रेडिक्शन करनी है कि आपका प्रोफेशन मून से रिलेटेड, सारे काम बता देना, लेकिन आपका जो मन है वो ज्ञान की तरफ जा रहा है। तो जब इस तीनों चीजों को मैच करोगे तो क्या बन के आएगा? एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न इज प्रोफेशन, मून इज योर मन जिसे बोलते हैं, आपका जो मन की शांति है। जुपिटर ज्ञान हो गया, मन का काम पढ़ने वाला, ज्ञान से रिलेटेड प्रोफेशन, नोट कर लेना। और जुपिटर कहां जा रहा है? फिर नहीं आपने वो डिग्री चेक करनी। अगर वो नेक्स्ट जुपिटर जहां बैठा है वो नेक्स्ट जो हमारा हाउस है उसकी तरफ जाएगा ना, तो वहां केतु बैठा है। जुपिटर आप हो, आपको ऐसा ज्ञान चाहिए जो मोक्ष की प्राप्ति करवा दे। और इनको ऐसा गुरु मिलेगा जो इनको मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि गुरु केतु की तरफ जा रहा है। केतु इज मोक्ष, गुरु इज गुरु, आपका सेल्फ, आपका ज्ञान। सर एक एग्जांपल और ले लें प्लीज। बहुत एग्जांपल लेंगे, बहुत एग्जांपल है, अभी तो शुरुआत हुई है। सर अगर सेम इसमें मान लीजिए केतु जुपिटर की साइड जा रहा हो तो क्या होगा? केतु जुपिटर की तरफ जा रहा होगा तो क्या होगा? मैंने बोला तो है आपको कि आपने बोला जुपिटर केतु की साइड जाए तो जा रहा हूँ ना, केतु जुपिटर की तरफ जा रहा है तो केतु पीछे होगा, जुपिटर आगे हो गया ना। हाँ जी सर। तो बाय बर्थ केतु की एट्रीब्यूट लेके आए हैं। केतु इज अध्यात्म, बाय बर्थ अपने परिवार से ज्ञान लेके अध्यात्म की तरफ से आए हैं, और इनको किसी चीज का पैशन नहीं होगा, राहु वाला काम नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके ब्लड में केतु होगा। फिर क्या होगा? इनको पैसे कमाने की लालसा नहीं होगी, 24 घंटे राम 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 राम। क्यों? क्योंकि वो लेके आए हैं। गुरु होता है इस जन्म में, आपका जो जन्म हुआ है ना गुरु, वो है। तो गुरु के जो पीछे होगा वो लेके आए हो बाय बर्थ से, और गुरु जिसके पीछे भाग रहा है वो आपकी जर्नी है इस लाइफ की। किसके पीछे भाग रहा है? जुपिटर चेक करो, 23 डिग्री के आगे कौन सा हाउस प्लैनेट है? सर केतु ही है। केतु ही है ना जी। अगर आप नेक्स्ट हाउस में जाओगे फिर डिग्री चेक नहीं करनी, फिर तो वो केतु के पीछे ही है। तो अगर 159 का ट्राइन चेक करना है या 7 का ट्राइन दृष्टि चेक करनी है, फिर आप डिग्री वाइज चलोगे। अगर प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, अच्छा जो प्लैनेट साथ में बैठे हैं, जैसे 5 नंबर में 2 प्लैनेट बैठ गए, 3 बैठ गए एक ही राशि में, वो 100% दृष्टि है, नोट कर ले। जो एक साथ बैठे हैं वो 100% है, ठीक है, वो लिख ले। अभी देखो, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर 2 दिन में बीजनेस सिखा दोगे, 100 साल का बंदा 100 साल में नहीं कर सकता। मैंने कहा 2 दिन में मैं बंदों को ट्रेन कर दूंगा। इतनी ज्यादा इजी सब्जेक्ट है ये। आपको पता कितने जन्म होते हैं, जन्म कितने होते हैं बंदे के, कितने जन्मों के बाद मोक्ष की प्राप्ति मिलती है? योनियां कहते हैं ना सर, कितनी योनियां? 64 लाख ऐसे कुछ है सर। 144 जन्म होते हैं आपके, 144, ये बीजनन से पता चला है, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 7 जन्म सुने थे, 7 जन्म का 7 वो तो हस्बैंड वाइफ का होता है, वो जन्म थोड़ी होता है, कोई और चीज होती है। सर ये पता लगा सकते कि 144 में अभी कौन सा जन्म होगा? हाँ बता दूंगा। आपका लगन कौन सा है? सर लगन है, राशि बताऊं या? लगन में राशि कौन सी है मेरे कहने का मतलब? 11th है।
ट्राइन चेक करो 11 नंबर कहाँ आ रहा है। तो 11 नंबर की राशि है ना लगन में, 11 नंबर की राशि तो है लगन में, ट्राइन कौन सा है? ट्राइन सर, ट्राइन आपको हो गया 3711 वाला, 3711 वाला जी। आपके पिछले जन्म में पता क्या लगन था आपका जी? 7 नंबर लिब्रा। नेक्स्ट जन्म में आपका लगन मिथुन होगा, जैमिनी। तो मोक्ष नहीं है सर अभी, नहीं मैं बताता हूँ ना। 159 ट्राइन आ गया जहां से शुरुआत होती है। 159 159 159 159 जी। कितनी बार आएगा? 36 बार। 36 साल आप 159 के गेम में रहोगे, उसकी जो टर्न है 159। 36 साल क्यों? एक नंबर में भी 12 साल, 5 में भी 12 साल, 9 में भी 12 साल। और चलेगा कैसे? एक जन्म में एक नंबर लगन, दूसरे जन्म में 5 नंबर लगन, तीसरे जन्म में 9 नंबर लगन, उसके बाद फिर 159, उसके बाद फिर 159। 36 साल के बाद आप आ जाओगे 2610, 2610, 2610, 2610, फिर 36 साल। अभी 36 को 4 से कर लेना, क्योंकि 4 ट्राइन है हमारे जी। 144 अभी बता सकता है कोई कि आपका जो लास्ट जन्म है जब मोक्ष की प्राप्ति होगी वो कौन सा होगा? 12 नंबर। इनका 12 नंबर मुझे तो केपी से बताया था, वो 12 नंबर में केतु है, 12 नंबर हाउस में। 12 नंबर में जब किसी का केतु आ गया तो मोक्ष हो जाएगा। तो सही, 12 नंबर लगन आ गया, लगन नहीं है सर, लेकिन 12 नंबर में केतु है, 12 नंबर हाउस में केतु है। फर्स्ट लास्ट जन्म होगा ना सर? मेरी बात सुनो ना, लास्ट जन्म तब होगा जब 12 नंबर लगन होगा, लगन होगा। और अच्छा। 12वें घर में 11th में केतु होगा, 11th नंबर साइन में केतु होगा और 12 नंबर लगन होगा, फिर आपका मोक्ष आने जाने का काम खत्म होगा। ठीक है, ये सिस्टम है। तो 12 नंबर लगन है पर केतु मतलब नहीं अभी आया, तो इसका मतलब अभी आपका और चक्र है। केतु को ले आते हैं 11 नंबर में, कोई बात। एक चीज और बताइए, मोक्ष चीज आएगी आपको, ऐसा भी हो सकता है सर? सब कुछ कर सकते हैं सर, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता। एक चीज बताइए, 11 के बाद सर 3 आएगा ना, अगर हम प्राइम को उस तरह से लेंगे? 11 के बाद 3 आएगा जी, तो 3 नंबर का लगन आएगा फिर। सर मेरा कर्क लगन है, मैं इसीलिए थोड़ा सा काम रह गया। और राशि जी एक बात मेरी नोट कर लेना जी, जो वॉटरी लगन होते हैं ना 4, 8, 12 वाले, हाँ जी, वो भगवान के बहुत क्लोज होते हैं सर। आपके भी वही शक्ल, तीन जो तीन होते हैं ना वो हमारे क्या बोलते हैं उसको, 4 है ना हमारे युग, यस सर, तीन युग का आपके पास एक्सपीरियंस है। अरे बाप रे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप वॉटरी लगन में घूम रहे हो 4, 8, 12 वाले में। इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होता है इन लोगों का, इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, एक्सपीरियंस बहुत होगा आप में। ये नोट कर लेना, जिनके 4, 8, 12 लगन होते हैं उनको तीन युगों का एक्सपीरियंस होता है, बड़ी जल्दी बात को पकड़ते हैं, भगवान के बहुत साथ क्लोज होते हैं वो सारे बात। सर कितने जन्म आ गए हैं मेरे अभी? सर ये थोड़ा सा समझा रही है, थोड़ी तो तसल्ली रखूं ना मैं। सर जैसे हमने 159 का काम करा, तो वैसे एक थोड़ा सा 4, 8, 12 का थोड़ा सा समझा दो कि कैसे जन्म देखते हैं, मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। पहले जिसका 4 नंबर लगन चल रहा है, अगले जन्म में 8 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, फिर 4, फिर एक एक साल के लिए, एक एक और 36 जीवन के लिए, एक लाइफ के, एक बर्थ के लिए 36 साल एक ट्राइन में, 36 जन्म सॉरी 36 जन्म एक ट्राइन में, 1, 5, 9, 2, 6, 10 जो भी, जब तक केतु 12th हाउस में ना आ जाए। 12th में केतु होगा, 12 नंबर आपका लगन होगा, फिर आपका मोक्ष की प्राप्ति, सीधा भगवान के चरणों में आने जाने का काम खत्म हो गया।
अच्छा सर, जिनका जिनका 12 लगन है और 12वें हाउस में केतु है तो वो तो उनका तो मोक्ष का है, 12वें में केतु, उसके चरण पकड़ लेना। नहीं 12वें हाउस में होगा ना जब लगन, 12वें में लगन 11 में केतु ना, हां तो 11 आएगा ना, 12 नंबर लेगी ना, 11 नंबर राशि सर। चरण सर मेरे हस्बैंड का ना 6 लगन है और उनके 12वें घर में केतु है, 5 राशि में। मैं हमेशा कहती हूं ये आपका मतलब आपको मोक्ष प्राप्त होगा, बिकॉज़ मुझे लगा 12वें घर में केतु है तो अभी अगले जन्म में फिर ऊपर साथ होंगे, चिंता मत करो, अगले जन्म में भी आपके साथ बनाओ, एक मेरा बना सर, एक सर एक मेरा ले लीजिए प्लीज सर, मेरे हस्बैंड का मैंने नाम है उसका, देखो सर सर वो एक्चुअली लाल का देखो, ऐसे नहीं होगा, मेरी बात सुनो, आप सिस्टम देखो पहले, सिस्टम देखो, आपने देख लिया कि कौन से प्लेनेट किधर जा रहे हैं, डिग्री वाइज आपको क्या मिल रहा है। अभी जो ईस्ट में प्लेनेट बैठा है उसकी दृष्टि वेस्ट में होगी, चेक कर लो केतु बैठा है, जो वेस्ट में जितने भी प्लेनेट बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि ईस्ट में होगी, 1-5-9 में। मैंने इसीलिए आपको ये बना के दिखाया कि आपके लिए ये सही रहेगा, वेस्ट में जो प्लेनेट बैठे हैं उनकी दृष्टि ईस्ट में रहेगी, ईस्ट वाले प्लेनेट की दृष्टि वेस्ट में रहेगी, और ऐसी उनकी रहेगी नॉर्थ और साउथ की, नॉर्थ की साउथ में, साउथ की नॉर्थ में। तो सर इनकी कितने सेवन दृष्टि, एक सेकंड की सेवन दृष्टि है, उसके बाद ईस्ट वाले कहां जा रहे हैं 85% है, साथ में जो बैठे हुए हैं ट्राइन में जो बैठे हुए हैं वो सारे 100% रिजल्ट दे। क्लियर हो गया? अभी नहीं सर। लास्ट वाला प्लीज बता दीजिए, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ हो गया, वो मतलब सातवां एस्पेक्ट हो गया। शिपकलियां, आप तो शिपकलियां भगाने लगे हो सर, मेरा तो दिमाग खराब हो गया आज। चेंज कर ले, आई एम सो सैड, रूम चेंज कर लो। नहीं अभी तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। लोग तो ब्रेड में लगा के खा लेते हैं, शिपकलियां कर रहे हैं। सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप, कौन खाता है, कौन है सर, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, ये सर्विस क्यों में खाते हैं, बरेशिया में नहीं, पता नहीं आपको लोग क्या बात कर रहे हैं, सारे रेप्टाइल्स खाते हैं, सारे रेप्टाइल्स खाते हैं, कॉकरोच, सारी जगह, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, शिपकली केतु। अच्छा मेरी बात सुनो, यस सर, ये सिस्टम सारा समझ आ गया आपको, क्योंकि दृष्टियां सर मुझे कम समझ में आ रही है सर, 100% कैसे रहेगी, पार्टी होने वाला समझ में। हां सर ये बता दो मीनाक्षी जी, आपके आपके कोई प्लेनेट 2-3 किसी हाउस में बैठे, किसी राशि में बैठे? हां जी सर, लग्न में और सेकंड हाउस में बैठे हैं, लग्न में जेमिनी में, और लग्न आपका जेमिनी है, कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं बीच में? उसमें सर D1 में वीनस और सैटर्न, वीनस और सैटर्न 100% रिजल्ट देंगे, क्यों? क्योंकि वो एक साथ बैठे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्लियर हो गया सर, मतलब 159 या जो भी ट्राइब में वो 100% दृष्टि देते, 100% दृष्टि नहीं, वो आपस में कंजक्ट हैं, वो एक साथ हैं, जो साथ बैठे 100% रिजल्ट मिलेगा। नहीं 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 नहीं, साथ में तो ठीक है, जो ट्राइन में है वो भी साथ है, वो ट्राइन में है, वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक गाड़ी में वो बैठ के एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जो ट्राइन में है। इसका मतलब सर अगर एक प्लेनेट का काम पूरा होएगा तो दूसरे साथ में दूसरे का भी काम पूरा कराएगा। हाँ ये मतलब मेरे 11th में 4 है तो वो उस वाले जोन के भी 3 गिने जाएंगे। हाँ जी, जैसे 11th हाउस में 4 प्लेनेट है ना, तो फिर 3 और 7 के भी जाएंगे ना, 3 और 7। आपके कौन सी राशि में बैठे हैं प्लेनेट ये बताओ, हाउस नहीं, 8वीं राशि में, 8वीं राशि, और इसका टाइम बताओ क्या होता है, 4-8-12 है ना? यस सर, 4-8-12 है ना? हाँ जी मधु, पूनम जी, हाँ जी 4-8-12 हो में आ गया। आपके 4 नंबर में बैठे हैं प्लेनेट सारे? नहीं 11 नंबर पे,
फिर 11 नंबर बोली जा रहे हो, 8 नंबर राशि, सॉरी राशि की बात करनी है, हाउस की बात नहीं करनी। हाँ ठीक है ठीक, 8 नंबर में बैठे हैं प्लेनेट आपके। हाँ जी। और 4-12 में भी बैठे हैं। राशि नहीं, 4-12 में नहीं बैठे। अभी देख लेना कि 4 नंबर जहां साइन है और 12 नंबर जहां साइन है, ये प्लैनेट वहां भी वर्क करेंगे, थर्ड और सेवेंथ हाउस में। हाँ अभी पता चल गया। सर मेरे 8 नंबर में 3 बैठे हैं प्लैनेट। एक सेकंड राशि सर, दशा सिस्टम में वर्क करेंगे इनका कैसे? नो, कोई दशा नहीं, ट्रांजेक्शन। सर मेरे 1-5-9 के ट्राइन में 5 प्लैनेट है। एक सेकेंड बात सर, ठीक है, नोट करो सर, वो कहाँ कहाँ ट्राइन बन रहा है और वो अपने नेक्स्ट जो है हाउस को 85% सपोर्ट करेंगे। सर अभी हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं तो हम ट्रांजिट हर प्लैनेट का लेंगे, हर प्लैनेट का। अभी ट्रांजेक्शन पे नहीं आए अपना, हम तो अभी दृष्टियों के ऊपर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपने 12 के 12 जो 9 प्लैनेट है उसके एट्रीब्यूट देखे हैं, उसके बाद हमने टाइम के ऊपर बात की है, अभी हम दृष्टियों के ऊपर बात कर रहे हैं। सर 2-6-10 में सर एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा सर प्लीज। विकास जी क्या बोल रहे हो? 2-6-10 में 6 प्लैनेट है और उधर चल रहे हैं अपना वेस्ट की तरफ, वहां पे जुपिटर है। ये पता चल गया आपको? ये सारा पता चल गया ना? यस सर। इससे सर प्रिडिक्शन कैसे करनी है, थोड़ा सा उसमें डाउट आ रहा है, मतलब कैसे कनेक्ट करना है? अभी प्रिडिक्शन नहीं है, कनेक्ट कैसे करना है सर? मैं बताएंगे इसमें। विकास जी कौन सा लगन है आपका? और मकर कैप्रिकॉन। 10 नंबर। हाँ जी सर। जी बोलो क्या बताऊं सर? 10 में मून। विकास जी सामने आ जाओ। आ गया सर, आ गया। हाँ जी बोलो। मून कहाँ लिखो? मून लगन में, लगन में मून। और नेक्स्ट 11 नंबर में सन, मरकरी, मार्स, सैटर्न। और इसके बाद है ये इसके बाद है ये जुपिटर। कहाँ? 12 में। और फिर नेक्स्ट में वीनस में। और सिक्स हाउस में राहु। बाजू अपने वाला एक तो म्यूट कर लो। ये ठीक है? हाँ जी सर। सर दूसरे वाला म्यूट कीजिए।
ऐसे जब भी चार्ट बनाना है ऐसे आपने डायरेक्शन चार्ट उसी टाइम बना लेना है। 11 में आ गया सन, 7 मर्कुरी, मार्स, सैटर्न, सात में कोई है नहीं है, 3 में कोई है, राहु है। चार आठ बारह, 4 में भी कोई नहीं है, 8 में भी कोई नहीं है, 12 में जुपिटर, 1 5 9 में क्या है, वीनस, 5 9 केतु, 2 6 10 में मून आएगा ना? हाँ जी, आएगा वो नंबर में भी कोई नहीं है, 6 10 10 मून है, ठीक है। क्लियर है जी? यस सर। अभी वीनस की डिग्री बताओ सर जी, और केतु की डिग्री बताओ। सर आप दो ही प्लैनेट्स की डिग्री क्यों पूछ रहे हैं? दो ही है। पीटर कहाँ जा रहा है, मतलब सेल्फ किधर की तरफ आगे बढ़ रहा है? मैं बताता हूँ अभी आपको विकास जी, विकास जी चले गए हैं। वीनस की 10 डिग्री लिखो जी, वीनस की 10 डिग्री और केतु की, केतु सर 14 14 14, वीनस की कितनी है, 10 10 10। वीनस की डिग्री है 14 वीनस की सर 10 डिग्री सर, और केतु की 14 जी, क्या बनेगा जी? अभी बताओ, मैंने एक बात बताई है, वीनस इज वेल्थ, केतु इज एंड, अभी देखो वीनस के पीछे केतु है कि केतु के पीछे वीनस है? अगर अगर केतु के पीछे है सर, वीनस के आगे है केतु, वो कैसे सर? केतु की, अब केतु की 14, केतु तो चलता है, केतु चलता है 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4, और वीनस करेगा 10 11 12 13 14 ऐसे। सर पीछे हो गया तो, वो बताओ आगे के पीछे सर। ये बात नोट कर लेना कि कौन सा प्लान कैसे चलता है। अगर वो केतु आगे होता ना वीनस के, तो इनके फाइनेंस की धज्जियां उड़ा देता वो। सर प्रेजेंट कंडीशन में केतु तो, दूसरी बात 2 महीने के बाद इनकी मैरिज के बाद डिवोर्स हो जाता। वीनस जब भी केतु के, वीनस के आगे जब भी केतु होगा ना, उसकी सेपरेशन या उसका डिवोर्स तय है। मैंने क्या बोला, वीनस इज वाइफ, केतु इज एंड, डिवोर्स कट ऑफ। तो अगर केतु 8 डिग्री का होता, अगर वो पैसा है तब भी कर ले। सर अब इस कंडीशन में केतु तो वीनस के आगे है ना सर, बाय 4 डिग्री, हालांकि वो पीछे जाएगा पर एट द टाइम ऑफ बर्थ ये तो आगे ही है ना सर? नहीं, ये वो आगे भागेगा नहीं, तो फिर हम इसको कंसीडर कैसे करेंगे कि आगे या पीछे, क्योंकि
डिग्री वाइज 14 में है केतु और 10 है वीनस, सो स्टिल केतु स्टिल है, वो आगे है ना, आगे वैसे आगे जाएगा, वीनस आगे बढ़ेगा और केतु बैक जाएगा। हाँ तो वो तो एट 1.9 दे विल मीट ना, तो आगे पीछे तो नहीं होगा ना, अगर वीनस आगे बढ़ेगा और केतु पीछे जाएगा तो एक 1.10 दे विल मीट ईच अदर। यस ये तो है, केतु आएगा 14, 13, 20, 12 ऐसे। यस सर। और वीनस जाएगा आगे की तरफ 11, 12, 13, 14 जाएगा। केतु आ रहा है उधर की साइड से, वीनस जा रहा है इधर की साइड से, तो जब 10 डिग्री पे आएंगे तो टकराव हो जाएगा ना। ये वीनस है, ये वीनस है, टकराव होगा ना सर। केतु इधर आ रहा है, वीनस इधर जा रहा है, तो सर बीच में जाके होगा कहीं, 12 में टकराव हो जाएगा। अभी देखो दो पीछे आया, वीनस दो आगे गया, तो 12 पे दोनों का एक जगह पे आना हुआ सर। नहीं इनसे पूछ लो ना कि मैरिज जब हुई है वीनस एक्टिवेट हो गया, मैरिज के 5-6 महीने बाद कोई प्रॉब्लम हुई है सर? थोड़ी बहुत ही हल्की सी, नहीं हल्की नहीं, बड़ी भयंकर होनी चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं था, बट देयर वाज सम डिफरेंसेस। ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए कि डिवोर्स होता होता बचाए। नहीं ऐसा तो नहीं, टकराव हुआ, प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो आगे बढ़ गया क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना जी। जब तक वो साथ साथ में रहे हैं या 4-5-7 डिग्री का फर्क रहा है तो प्रॉब्लम आई होगी सर। हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि ये वीनस और केतु 159 में है, मतलब कंजंक्ट है। अगर ये वीनस और केतु अगर दूसरे 1, 4, 8, 12 में होता, और सपोज केतु 12 में होता और वीनस 159 में होता, तो केतु वीनस के पीछे आ रहा है। नहीं आप बात समझते नहीं ना, आप बात समझ नहीं रहे। नहीं सर मैं अगर एक पांच नौ के ट्राइन में अगर चल रहा है ना तो कंजंक्ट हो गया, वीनस केतु कंजंक्ट हो गए, केतु पीछे चलता है, वीनस आगे चलता है, केतु इधर की तरफ से आ रहा है, वीनस इधर की तरफ आ रहा है, डिग्री का बहुत थोड़ा फर्क है। 10 डिग्री या 12 डिग्री, वो 10 से 11 जाएगा, 12 जाएगा, वो 14 से 13 आएगा, 12 आएगा, जब 12 डिग्री आएगी तब टकराव होगा। हाँ वो तो ठीक है सर, दैट आई एग्री, वो आपने बताया वो मेरे को समझ में आया। लेकिन हमें ये क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर केतु 4-8-12 में होता, सपोज केतु 4, तो हम कहते केतु वीनस के पीछे, ये हम डिग्री सिर्फ इसलिए देख रहे हैं बिकॉज ये 159 में है। यस वेरी गुड, डिग्री हम इसलिए देख रहे हैं कि ट्राइन है, साथ में अगर 1-5-9 से आगे 2-6-10 में होता केतु, फिर हम डिग्री नहीं देखते, फिर तो उसके पीछे ही है। अच्छा सर, अगर दोनों होते 2-6-10 में तब कंसीडर करते, किसी और ट्राइन में होते, अगर 2-6-10 में होते तब डिग्री भी कंसीडर करने हैं, 3-7-11 में भी करने, ट्राइन तो ट्राइन ही है। ओके ठीक है, लेकिन बात एक है कि 12 डिग्री पे जाकर टकराव बहुत प्रॉब्लम आनी चाहिए और फाइनेंस से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम आनी चाहिए, पैसा फंस जाना चाहिए, ब्लॉक हो जाना चाहिए, पैसों की तंगी बहुत आनी चाहिए। सर किस पीरियड में आई होगी बीन? आपका जो केतु है जी वो कौन से साइन में है? केतु तो सर 9 नंबर साइन में है। 9 नंबर साइन में है, और वीनस कहाँ है? वीनस है 1 नंबर साइन में। 1 नंबर साइन में, अभी प्रेडिक्शन कैसे करते? जब केतु वीनस के ऊपर से गुजर रहा होगा, जब वीनस केतु के ऊपर से गुजर रहा होगा, जहां वो ट्राइन में आ गए, जहां वो 1-7 में आ गए, जहां वो 2-12 में आ गए, जो जो मैंने आपको दृष्टियां दिखाई है, वो वीनस केतु की जब भी दृष्टि संबंध होगा ट्राइन में होगा, तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम आने के आसार हैं। लेकिन अगर इनकी वाइफ एस्ट्रोलॉजर होगी
इनकी वाइफ बुटीक का काम करती होगी, इनकी वाइफ ब्यूटी पार्लर का काम करती होगी, कटिंग वाला काम, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी साथ में है, अगर इनकी वाइफ एस्ट्रोलॉजर होगी तब भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीनस केतु से संबंध में कोई काम करेंगे तो नहीं आएगी। वीनस वाइफ है, केतु से रिलेटेड अगर वो काम करते होंगे, इनकी वाइफ, चाहे वो बुटीक का हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो, चाहे वो गार्डनिंग का हो, कई लेडीज होती है या जेंट्स होते हैं वो गार्डनिंग को बहुत प्यार करते हैं। सर वाइफ ने 3 साल पहले न्यूमरोलॉजी वगैरह शुरू की थी। 3 साल पहले की बात नहीं है सर जी, शुरू की वीनस केतु तो ऊपर नीचे ट्राइन में आते रहेंगे। अगर मैंने बोला कि केतु से रिलेटेड वो काम करते होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं सर वो नहीं करते, तो फिर प्रॉब्लम आनी चाहिए, वेल्थ की भी आनी चाहिए और रिलेशन की भी आनी चाहिए। सर अगर यही केतु 4/8 में होता और वीनस 159 में होता तो हम कहते वीनस केतु के पीछे है या केतु वीनस के पीछे है? केतु वीनस के पीछे। अगर 159 में केतु, आप देखो ना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, ये देखो 4/12 में केतु है, सपोज ये इधर है, ये इधर है। नहीं, तब केतु के मूवमेंट्स नहीं देखेंगे सर, तब केतु का नहीं देखेंगे, केतु रेट्रो चल रहा है, केतु पीछे चल रहा है। हाँ जी, तब केतु का मूवमेंट नहीं देखेंगे, केतु रेट्रो चल रहा है, बिल्कुल देखेंगे, वो पीछे चलता है। तो फिर सर फिर तो ये उल्टा हो गया, बैठा तो वही है ना, जब जब जन्म हुआ, हाँ हाँ, वो जहाँ बैठा है, हाँ हाँ, वो तो कंसीडर करोगे ना कि 4/8 में बैठा है केतु, तो वीनस आगे बैठा है, वो तो ठीक है, चलेगा उल्टा, लेकिन पीछे तो बैठा है ना, तो वो पीछे वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो वो 25% आपका दृष्टि देता है, दूसरा वो क्या बताता है कि इनकी वाइफ के अंदर केतु की एट्रीब्यूट होगी ज्यादा है। अच्छा, प्रॉब्लम जहां आती है जहां आपने उसका पीछा करना है। Okay, अगर वीनस केतु के आगे हुआ, मतलब केतु वीनस के आगे हुआ, तब प्रॉब्लम आएगी, अगर पीछे है तो फिर वो नेचर हो जाएगी। Okay. पर एक स्टेज पे तो मिलेंगे कहीं ना कहीं। सर केतु वीनस के आगे कब होगा, अगर कम हुआ वीनस से 8 डिग्री हुआ अभी? अगर कम होता है वीनस से, जैसे अभी 14 डिग्री है केतु और वीनस है 10 डिग्री, तो हम कह रहे हैं कि केतु पीछे है। पीछे कब बोला, उनकी दृष्टि अलग अलग है, उनकी वो गति अलग अलग है, वो पीछे की तरफ आ रहा है, वो आगे की तरफ आ रहा है। वीनस केतु का पीछा नहीं कर रहे, लेकिन अगर यही केतु 8 डिग्री होते तो फिर क्या हो जाता, पीछे 7 जाना 6 जाना उसने। सर इसको ये कह सकते हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और 12 पे आके मिल जाएंगे। वही तो बता रहा हूँ मैं, 12 पे आकर मिलेंगे वो। सर एक और चीज मैंने बोली थी, जो प्लैनेट 159 के ट्राइन में है, जो धर्म का ट्राइन है, वो वाले प्लैनेट आपस में ऐसा भी होता है कि आपस में इतना गंदा असर ना दे, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग असर ना दे, जैसे केतु और वीनस का? गंदा असर नहीं देते, वश नहीं देते, वो आपस में मित्र हैं। हाँ वही ना, तो आप भी हम कह रहे हैं की हेल्प करेंगे, क्योंकि एक साथ जब गाड़ी में जा रहे हैं सारे, तो जैसी मर्जी किसी की नेचर हो वो सपोर्ट करेंगे। तो जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि केतु का जब ट्रांजिट आया होगा वीनस के ऊपर, या फिर दृष्टि आई होगी, तो ये कह रहे हैं ना कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आई शादी के बाद आएगी, क्योंकि केतु जो है उसकी नेचर कट ऑफ की है। अगर वो वीनस के साथ है तो फाइनेंस और वाइफ से कट करवाएगा ही करवाएगा 100%, चाहे वो 159 के ट्राइन में किसी के साथ है, बिल्कुल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉन्डिंग इशू आएगा सर, बॉन्डिंग नहीं होगी उस लेवल की। पता क्या बात है, बातें 2-3 है, या तो सेपरेट रहे होंगे कि एक साथ रहेंगे नहीं, केतु का काम है सेपरेट, कोई यूएसए बैठा है कोई इंडिया बैठा है, तो 10 साल में 5 साल 2 साल के बाद मिलते हैं जी, या 2-3 महीने के बाद आते हैं, 1-2 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो केतु तो ये चाहता है, अगर वो करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 महीना बाहर रहे हैं जी, 2 दिन आए हैं फिर चले गए हैं जी, केतु जो चाहता है, या इनकी वाइफ गार्डनिंग करती होगी, या ब्यूटी पार्लर, या कटिंग का काम, जो सारा केतु का काम है,
या एस्ट्रोलॉजी में, अध्यात्म में, ठीक है। अगर तो ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको कि 11 नंबर साइन में किस किस का केतु है, बताओ मुझे पहले 11 नंबर साइन। मेरे लड़के का सर जुपिटर के साथ। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसका जवाब दो, 11 नंबर साइन, 11 नंबर साइन में किसी का केतु है? केतु, हाँ जी। किसका? मेरे लड़के का। क्या करता है वो? सर अभी जॉब कर रहा है वो। जॉब से कट हो जाएगी उसकी, उसकी जॉब कट हो जाएगी। आप पर कब सर, मतलब कोई टाइम होता है? केतु की डिग्री नोट करो। केतु 0 डिग्री है शायद, मैं उसके चार्ट से देख रही हूँ। केतु 0 डिग्री। हाँ तो उसने आपको बताया कि मेरी जॉब चेंज होने वाली? चेंज हो गई है सर, उसने खुद चेंज करवाई है, मतलब उसने बड़ा पढ़ाई करके इंटरव्यू देके चेंज किए। मैं वो नहीं बता रहा कि इंटरव्यू देके चेंज किए या नहीं, चेंज हो गई कि नहीं। मींस हो गई चेंज। हां जी हो गई। इसीलिए मैं बताता हूं, केतु 11th में बैठा है और सैटर्न वहां गया है। मेरी बात सुनो। अच्छा अच्छा ओके, हां जी मेरी बात ठीक है, सैटर्न गया वहां। कि आपके नेटल चार्ट में केतु वहां बैठा था, सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ 11 नंबर साइन में पहुंचा, तो केतु ने क्या करना है? या तो जो भी प्रोफेशन करता है वो कट हो जाएगा, जॉब करता है तो वो कट हो जाएगा उसी टाइम। क्यों हुआ? केतु की डिग्री 0 है, आते ही केतु को मिला, ठीक है। अगर उसकी डिग्री 14, 15, 16 कोई भी होती तो जब तक उसके डिग्री के पास जाता तब काम होता। लेकिन उसकी डॉक्टर का भी केतु 11 नंबर में है सर, मेरी डॉक्टर का केतु 22 डिग्री है और साथ में मून बैठा हुआ है 11 नंबर साइन में, लगन है और सैटर्न 12 में है। वो नहीं बात कर रहे, हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट की बात। सर मून और केतु 11 नंबर साइन में है। सर अब ये जो आगे है वीनस और केतु इधर चल रहे हैं साउथ की तरफ, देन हाँ जी अब फर्दर ये साउथ की तरफ चल रहे हैं 2-6 में, वो मून को मिलते हैं सर, मून को। हाँ जी वो क्या कह रहे हैं कि पैसा जो है ना केतु और मून देगा। विकास जी सर, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई ना तो इसका मतलब है कि आप शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट रख रहे हो। सर रिलीजियस माइंडेड तो है ही, रिलीजियस माइंडेड भी चलो फर्क होता है, लेकिन अकल्ट किसी भी टाइप की अकल्ट उसमें आप ज्वाइन रहते हो, आपका मन उधर लगा रहता है सर। आप जो मर्जी जॉब करो, जो मर्जी गवर्नमेंट जॉब करते हो मुझे पता है स्टेटस। अच्छा दूसरी बात, एक बात मैंने आपको और बताई थी कि गवर्नमेंट जॉब सन एंड केतु है, बताया था ना मैंने आपको जी, इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। यस जब तो आपने उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है ना, केतु को आपने यूटिलाइजेशन में ले आए और आप तो बड़े जबरदस्त कर रहे हो। अभी मेरे दिमाग में आई चीज ये कि आप तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और दूसरी बात क्या है कि आप अध्यात्म में हो, तीसरी बात आप ऑकल्ट में हो बड़ी देर से, इसीलिए केतु आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा। केतु को आप यूटिलाइज कर रहे हो एक बार नहीं, तीन तीन टाइप से। पर सर एक चीज है, मेरा पैसा ब्लॉक है कहीं। नहीं पैसा तो होगा, केतु काम करेगा वो, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी बड़ी। अच्छा। ना ही रिलेशन में ना ही पैसों में, क्योंकि आप वीनस एंड वीनस केतु का जो कॉम्बिनेशन है केतु का, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। अच्छा मोनिका जी, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि केतु बैठा हुआ है 11th में, मेरी बात को आपने कंप्लीट नहीं होने दी कि BNN कहती क्या है। इतनी जबरदस्त टेक्निक है, सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ पहुंचा 11 नंबर, तो आपके बेटे की जॉब चेंज हो गई। उसका प्रोफेशन अगर करता ना, प्रोफेशन में उसका खत्म हो जाता, बंद हो जाता वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है, जब भी बनेगा ट्रांजिट पे, तो वो आपका प्रोफेशन को कट कर देगा। लेकिन कट किसका नहीं होगा? जो केतु का काम करते हैं, जो बंदे एस्ट्रोलॉजर हैं,
जो बंदे सैलून का काम करते हैं, जो बंदे टेलर का काम करते हैं, जो बंदे गार्डनिंग का काम करते हैं, जो बंदे केमिकल का काम करते हैं, अध्यात्म का काम करते हैं, उनके लिए ये सैटर्न की ट्रांजिशन इतनी जबरदस्त है ना, इतनी जबरदस्त कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन बन गया और जो वो काम करता है वहां उसका परफेक्शन शाइनफुल होगा ही। अभी मेरा देखो, मेरा 11 नंबर साइन में केतु है, ठीक है, तो सैटर्न वहां आ गया तो मेरा काम बढ़ेगा, मेरा कम नहीं होगा। सर ये ट्रांजिट का मुझे समझ में है सर, और सर केतु के ऊपर केतु का ट्रांजिट कैसा रहेगा? वो भी अच्छा नहीं होगा। रामाकृष्णा जी, ट्रांजिट होता है कि हमारे प्लैनेट ऊपर घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, वो कौन कौन सी राशि में गोचर वाइज जा रहे हैं। जैसे जुपिटर जो है वो 12 नंबर साइन में गया है, सैटर्न जो है वो 11 नंबर साइन में गया है, राहु जो है वो 1 नंबर साइन में गया, केतु जो है वो 7 नंबर साइन में गया, ठीक है। इस ट्रांजिशन का आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लैनेट कहां कहां जा रहे हैं। नहीं, वो ट्रांजिट वो पता है सर, पर इसमें वो इंपैक्ट कैसे देता है? नेटल चार्ट जहां जहां प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं वहां वहां आपका प्लैनेट कहां बैठा हुआ है। सपोज कर लो, एक सेकंड मोनिका जी, जहां सैटर्न ने ट्रांजिट किया है वहां केतु ना होता, मून होता। आपके चार्ट में 11 नंबर साइन में मून होता तो हम क्या प्रेडिक्ट करते भैया? ये 2.5 साल या तो तेरी जॉब में चेंजिंग आने वाली है या तेरी जॉब में तेरे को ट्रैवल वॉक करना पड़ेगा ये 2.5 साल, और तू जॉब को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा अपने प्रोफेशन को लेकर। अगर प्रोफेशन करता है तो प्रोफेशन, अगर जॉब करता है तो जॉब। मून से रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा। अच्छा, सैटर्न जिस प्लैनेट के बात नहीं करने देते, बात टूट जाती है। और अगर वो मून का काम करता है ऑलरेडी तो उसको कुछ भी नहीं होगा, उसका काम बहुत अच्छा चलेगा। जुपिटर की ट्रांजिशन हुई है मेन राशि में 12 नंबर साइन में, तो जुपिटर क्या है? आप खुद हो जी सर। आप कहां पहुंचे हो चेक करो। ओके, आपका 12 नंबर साइन कहां आ रहा है चेक करो। सर मेरा 12 नंबर साइन पाइसिस का है और 8th हाउस में सर, और जुपिटर उसी में है। आप कहां पहुंच गए? 8th हाउस में। अच्छा, 8th हाउस किस चीज का है? ऑकल्ट साइंस का। आप ऑकल्ट साइंस में पहुंच गए। Okay. अब जुपिटर का ट्रांजिशन हुआ 28 अप्रैल को जी सर, और आपने एस्ट्रोलॉजी में कब आए हो? सर महावास्तु से आया हूँ सर, 3-4 साल से। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वास्तु कौन था उसे? वास्तुलॉजी भी वहीं पे स्टार्ट किया था। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी भी 2018-19 के आसपास स्टार्ट किया था। अच्छा, कहने का मतलब क्या होता है कि 8th हाउस में जब जुपिटर जाता है तो आप ऑकल्ट में आ जाओ। नाइन्थ में जब जाएगा तो आप हो सकता है टीचिंग लाइन में आ जाओ, आप सोच रहे होंगे। ओके, ठीक है सर। तो 12 का 12 ही रह गया तो सर हम सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट देखेंगे सर, यानी सन मून मार्स मर्क्यूरी वीनस। बिल्कुल, सन क्या, मैंने आपको सन के बारे में क्या बताया वो क्या है?